Hi everyone, welcome welcome back. So in today's video I'll be sharing my half yearly results. So yeah, without wasting any time, let's get started. So first of all, let me tell you a few things. My result is made out of 600 marks. Unmein se 80 marks ke we have half yearly. We have total 6 subjects including my optional. So in the 20 marks, 5 marks are taken from PT1 that we had, 5 marks are taken from multiple assessment, 5 marks are taken of portfolio, and 5 of subject enrichment. So on the screen you can see all the marks that I got in each of them. मतलब सब में most मेरे fully आए हैं, मतलब वो PT1 को छोड़ के सब में fully आए हैं. बस एक English में मेरे 1 marks पता नहीं क्यों deduct किए गए हैं. In fact मैंने इंग्लिश की फ़ाइल जब दी गई थी मैंने एकदम टाइम से पहले ही सबमिट करी थी, एंड मैंने अपनी कॉपीज़ भी सबमिट करी थी पहले ही. पता नहीं क्यों मेरे 1 मार्क्स कट गए. कोई बात नहीं, पीटी में जो हमारे मार्क्स होते हैं, जैसे 40 में से 40 अगर मैंने पाए हैं तो मुझे 5 out of 5 मिलेंगे, उसी के हिसाब से मार्क्स लिए जाते हैं. नाउ कमिंग टू हाफ ईयरली के रिजल्ट. हाफ ईयरली में टर्म 1 में 80 मार्क्स के सारे एग्ज़ाम थे. जो आईटी का था, आईटी का वॉज ऑफ 80, मतलब 50 मार्क्स का था वो रिटन एग्ज़ाम. एंड लेकिन उसमें से थोड़े बहुत मार्क्स यू नो प्रैक्टिकल के भी हैं, तो उन सबको मिला के ये बनता है मेरा रिजल्ट. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इन इंग्लिश आई गॉट 71 मार्क्स. कहाँ मुँह छुपाऊँ मैं अपना, इन हिंदी आई गॉट 72, इन मैथ्स आई गॉट 76, इन SST आई गॉट 76, एंड इन साइंस आई गॉट 74.5. एनीवेज ये हैं सारे के सारे मेरे रिजल्ट्स. अब मैं बताऊँ तो मैंने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस बार आई गेस मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे स्कूल में क्या मुझे नहीं पता और स्कूल्स का, लेकिन मेरा आई गेस थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई थी. एंड यू नो व्हाट, इन आईटी आई थॉट, मैं जब एग्ज़ाम देके आई थी तो आई थॉट कि मेरे मतलब बढ़िया से फुल मार्क्स आने वाले हैं आईटी में, बिकॉज आई रोट एवरीथिंग एंड मेरा सब करेक्ट भी था, MCQs वगैरह एवरीथिंग वॉज करेक्ट. बट इस बार क्या हुआ, द टीचर चेंज्ड एंड मतलब टीचर चेंज कर दिए गए थे हमारे, एंड द टीचर डिड अ लॉट, मतलब इतनी बेकार खतरनाक सी चेकिंग हुई थी. एंड हाईएस्ट वॉज 44 और 43, आई डोंट नो व्हाट वाज इट, बट 44 या 43 में से हाईएस्ट था. तो या आई स्कोर्ड दिस मच, एंड लिखा तो मैंने सब था, अगर वो शायद वो वाले टीचर होते तो 50 out of 50 पर आती. एनीवेज इन इंग्लिश तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कितने मार्क्स कट जाएंगे, बट कोई बात नहीं. मतलब इस बार ना इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर्स और बहुत सारे रीजंस की वजह से भी मार्क्स काटे गए थे. तो ओवरऑल इफ़ यू आस्क मी, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद इट, क्योंकि मैं लिख के आई थी मुझे उसी का रिजल्ट मिला है. जो मैं लिख के आऊँगी मुझे उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि मुझे कहीं जादू से मेरे नंबर काट लिए जाएंगे नॉल. तो आई एम सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स. एंड ओवरऑल बताया जाए कि मेरे परसेंटेज कितने आए हैं तो देख लो, 93.17%. आई एम, मेरी रैंक पूछोगे तो रैंक किस थर्ड रैंक. एंड आई थिंक कि मेरे जो मार्क्स कटे हैं थोड़े बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से, वो मतलब मैंने लिखा नहीं था इसीलिए कटे हैं, लेकिन आई गेस मेरे प्रिपरेशन में इसलिए कमी रहेगी क्योंकि आई हैड स्टडीड वेरी वेल. लेकिन एग्ज़ाम के एक हफ्ते, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के एक हफ्ते पहले आई वेंट टू अ वेकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर, एंड एक हफ्ते तक मैंने बहुत मज़े किया था. मैं एक हफ्ते तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था तो बताओ. और उसके जिस दिन मैं रिटर्न हुई थी उसके जस्ट एक दिन बाद ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे. तो ऑल दो मतलब रिविजन का टाइम नहीं मिला था एंड आई वॉज वेरी सिक वहाँ से आने के बाद. तो यू गाइज टेल मी योर रिजल्ट इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर मेरे से ज़्यादा किसी के आए हैं तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइज, कीप इट अप. एंड अगर किसी कम आए हैं तो आई वॉन्ट टू से वन थिंग, कि कभी मुझसे कंपेयर मत करना. हमारे टीचर्स अलग हैं, हमारी चेकिंग अलग हुई है, हमारी प्रिपरेशन भी अलग थी, तो कभी कंपेयर करके डीमोटिवेट मत होना. हमें फाइनल बोर्ड्स ही देने हैं, तो यू नो सैड मत होना, वर्क हार्ड गाइस. सो या आई वॉन्ट, यही मुझे कहना था. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक्स दैट आई डिड, सबसे पहले तो ये था कि एग्ज़ाम, मतलब ये मिस्टेक तो नहीं कहूँगी लेकिन एज अ टिप कहूँगी कि यू गाइज शुड नॉट स्टडी वन डे बिफोर एग्ज़ाम. क्योंकि अगर मेरे जैसी सिचुएशन हो गई और तो तुम कहीं ट्रिप पे जाओ ना जाओ, या तुम मान लो एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी मार पड़ गए, तो मतलब तुमने तो पहले से कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने वाला अगर तुम्हारा होगा तब तो एग्ज़ाम ख़राब ही जाना है. तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले मत पढ़ा करो, उसके पहले ही से ही पढ़ना थोड़ा स्टार्ट कर दिया करो. मेरे इसलिए मिस्टेक्स की वजह से मेरे मैथ्स में 76 मार्क्स आ गए, नहीं तो जो 4 मार्क्स कटे हैं
दोज मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर अ वेरी सिली मिस्टेक जो मैंने करी थी, वो मानो क्वेश्चन पेपर के सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन थे, मैंने उसमें सिली मिस्टेक्स कर दी जस्ट बिकॉज मेरे मतलब मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि तो वैसे ही काम नहीं करती, तो मतलब मैंने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा था और मेरे को मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी अपने फीवर की वजह से, तो इसीलिए मतलब हो गया। इसलिए आई विल सजेस्ट यू गाइस टू फर्स्ट, तो सबसे पहले तो हेल्दी रहो भाई, बीमार मत पड़ जाना एग्ज़ाम के पहले, नहीं तो बहुत सारा मिस्टेक करके आओगे। और इस क्वेश्चन को जब तुम्हें समझ में ना आए तो बार बार पढ़ लेना, हो सकता है तुम उसे कुछ गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। सो या ये थे मेरे टिप्स एंड यस दोज आर माई रिजल्ट्स। तुम लोग बताना कि तुम लोग के रिजल्ट्स कैसे आए। And I'll meet you guys in my next video. Till then, take care. Bye. I love you all so much.